हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन चेंज ऑफ वेरिएबल का, ठीक है, जो एग्ज़ाम पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है, गेट के लिए भी है, ठीक है, और ये आईआईटी जैम में भी एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, ठीक है। तो हमको देखिए एक क्वेश्चन सोल्व करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ओवर दिस रीजन, और ये रीजन आपको यहाँ पर बगल में डिफाइन किया हुआ है। तो जनरली इसको जो है हम लोग बनाते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपको गिवन होता है, ठीक है, ये आपका आपको सपोज भी करना पड़ता है। तो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, कौन सा, देखिए x प्लस वाई को हम लोग u लेंगे और x माइनस वाई को हम लोग भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमका आपका देखिए जनरली गिवन होता है। अगर गिवन नहीं भी है तो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई का फैक्टर अवेलेबल है तो हम लोग जनरली यही सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ठीक है। जब आप इस सब्स्टिट्यूशन को लेंगे तो आपका इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा डी एक्स डी वाई है, डी एक्स डी वाई ये जो डेरिवेटिव है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जकोबियन डी यू डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेयर ये जो जकोबियन है, जकोबियन कैसे निकालते हैं, तो जकोबियन का फॉर्मूला होता है, अगर आप निकालेंगे तो, चूँकि हमको यहाँ पर जकोबियन जो है जो डिमांड है, ठीक है, वो हमारा यू वी में डिमांड है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली एक्स बाई कर्ली यू, कर्ली एक्स बाई कर्ली भी, और नीचे में आ जाएगा आपका कर्ली वाई बाई कर्ली यू और कर्ली वाई बाई कर्ली भी, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में ये जैकोबियन होता है। तो अभी इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए आपको ये चाहिए होगा कि एक्स जो है वो मेरा यू भी के फंक्शन में हो और जो वाई है वो भी यू भी के फंक्शन में हो। तो एक तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका है अनदर वे जो है उससे भी आप कर सकते हैं इसको, अनदर वे क्या है कि हम लोग जैकोबियन ना निकाल करके वन बाई जैकोबियन अगर कर लें तो फिर ये आपका यहाँ पे उलट जाएगा। यानी पहले आप u का ले सकते हैं, कर ली u बाई कर ली x, कर ली u बाई कर ली y, ठीक है। फिर आप v का ले लीजिए, कर ली v बाई कर ली x और कर ली v बाई कर ली y। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक अच्छा टेक्निक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका u को आप पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा x में तो 1 आएगा, y में करेंगे तब भी 1 आएगा, v का करेंगे तो 1 आएगा x में और y में माइनस 1 आएगा। तो वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपका माइनस वन यानी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा जैकोबियन है वो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो डी एक्स डी वाई है इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई टू डी यू डी वी, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है लिमिट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो नेक्स्ट हमको फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ यू एंड वी, यू और भी दोनों का हम लोग लिमिट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, वो देखिए बहुत सिंपल है। एक हमको देखिए ये गिवेन है और दूसरा हमको ये गिवेन है, ठीक है। जो गिवेन दिया हुआ है वहाँ से आप काम कीजिए, ठीक है। इसको मैं अंडर बॉक्स कर देता हूँ क्योंकि इसको मैं यूज़ करूँगा, तो ये हम लोग यहाँ पर वन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, सिंस जो गिवेन है, क्या गिवेन है, तो गिवेन है आपका वन माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू माइनस वाई, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो यहाँ पे दो पार्ट बनेगा, एक पार्ट बनेगा आपका 1 माइनस वाई लेस देन एक्स, ठीक है, और एक पार्ट बनेगा एक्स लेस देन इक्वल टू 2 माइनस वाई। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऐसा करने का ये फ़ायदा होगा कि एक्स प्लस वाई आपका यू है, एक्स प्लस वाई क्या है हमारा, दिस इज़ यू, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे यू लिख सकते हैं, तो 1 माइनस यू लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से 0 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ से आसानी के साथ में यू का लिमिट आपको मिल जा रहा है, ठीक है। यू का लिमिट क्या आ रहा है देखिए, तो यहाँ से आ जाता है ये 1 लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा यू लेस देन इक्वल टू 2। फिर से दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू यू लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आपको यू का लिमिट मिल गया, ठीक है। अब जो हमको भी का लिमिट फाइंड आउट करना है, तो भी का लिमिट के लिए हम लोग वाई का लिमिट चलेंगे, लेके चलेंगे, ठीक है। टेकिंग लिमिट ऑफ वाई, तो आइए देखते हैं लिमिट ऑफ वाई हमको ऊपर में क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो लिमिट ऑफ वाई जो मेरे को दिया हुआ था ऊपर में, वो देखिए ये है, वाई का लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, आपको दिया हुआ है 0 से 2 तक, ठीक है। तो इससे काम करना हमको इजी हो जाएगा, 0 से 2 तक हमको वाई का लिमिट दिया हुआ है, ठीक है।
अच्छा अब देखिए y जो है, चूंकि हमको गिवन है 0 से 2 तक, तो हम y का जो है वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कि y का वैल्यू u और v के टर्म में क्या होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये मेरा जो है इक्वेशन क्या है, एक है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू यू और एक है मेरा x माइनस वाई इक्वल टू वी। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, तो x मेरा कैंसिल हो जाएगा और y जो है मेरा मिल जाता है u माइनस वी बाई टू। ठीक है, तो हम इस वैल्यू का यूज़ करेंगे ताकि हमको लिमिट हमको आसानी से मिल जाए। ठीक है, सो वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ ज़ीरो u माइनस वी बाई टू लेस देन इक्वल टू टू। यहाँ से ये हो जाएगा आपका ज़ीरो लेस देन इक्वल टू यू माइनस वी लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं दो पार्ट कर लूँ तो ये जो पार्ट है यहाँ से आ जाएगा वी लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है, और यहाँ से मेरा आ जाएगा यू माइनस फोर लेस देन इक्वल टू वी। दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने से ये आ जाता है कि यू माइनस फोर लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू यू। सो दिस इज़ द लिमिट ऑफ वी। दोनों का लिमिट आपको मिल चुका है, अब दोनों का लिमिट मिल गया तो देरी नहीं है बनाने में, तो सो मेरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा यू का लिमिट वन से टू। ठीक है, सिंपली वी का लिमिट यू माइनस फोर से लेकर के यू तक। ठीक है, और जो आपका जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन जाकर देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था हम लोगों का, यस यही है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। तो एक्स प्लस वाई आपका क्या हो गया है, एक्स प्लस वाई आपका यू है, ये आपका वी है, और बाकी आपका हो जाएगा जैकोबियन डी यू डी वी। ठीक है, और जैकोबियन का वैल्यू भी क्या आया है, जैकोबियन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो जैकोबियन का वैल्यू आ गया है यू वी, दिस इज हम लोगों का क्या आया था माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू डी यू एंड डी वी। ठीक है, यही आया था जैकोबियन, ऊपर में क्या आया था हमारा जैकोबियन जो हम लोगों को वैल्यू आया था वो आया था माइनस वन बाई टू, देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो हमको बस इसको सिंपली सोल्व कर देना है। तो पहले हम लोग वी को सोल्व करेंगे, चूंकि वी का डिपेंडेंट लिमिट है, यू का तो कॉन्स्टेंट है, तो माइनस वन बाई टू को अलग कर देते हैं। ठीक है, वन से टू यू माइनस फोर, इसको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, यानी हम लोग वी और डी वी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे पहले, और मेरा जो u और du है ये मेरा काम का है, अभी इसका काम बाकी है। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस वन बाई टू, इसका लिमिट हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू वैल्यू। ठीक है, इसका लिमिट है u माइनस फोर से लेके u तक, सो इट इज़ u माइनस फोर टू यू। ठीक है, और फाइनली फिर ये वन से टू u du। अब देखते इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है, वन से टू, फिर वन बाई टू को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अंदर में आ जा रहा है आपका यू स्क्वायर माइनस यू माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यू और डी यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये करेंगे ना, इस माइनस का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, इस माइनस का यूज़ करेंगे तो वन बाई फोर वन टू टू, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यू स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एट यू प्लस सिक्सटीन, एट यू, ठीक है, अच्छा यू माइनस बी है तो माइनस एट यू बचेगा और प्लस सिक्सटीन बचेगा। ठीक है, यू और डी यू, अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो वन बाई फोर, ठीक है, माइनस एट आपका कांस्टेंट होगा, यू स्क्वायर देखिए बन रहा है तो यू स्क्वायर का हो जाएगा यू क्यूब बाई थ्री, दिस इज़ फ्रॉम वन टू टू, और फिर आप यहाँ पे आपका सिक्सटीन कांस्टेंट होगा तो यू का यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इट इज़ अगेन फ्रॉम वन टू टू। इसको हमको सिंपली सोल्व कर देना है, इधर मैं सोल्व करता हूँ, तो माइनस एट बाई फोर, ठीक है, और लिमिट डाल देंगे, पुट अप कर दीजिए तो एट माइनस वन बाई थ्री, ओके, और ये हो गया इसका प्लस सिक्सटीन बाई फोर, यहाँ पे लिमिट पुट अप करेंगे हम लोग तो फोर माइनस वन बाई टू, यही हम लोगों का वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए क्या आ गया फाइनली, ये हमारा आ जा रहा है माइनस एट सिक्स सेवन जा फिफ्टी सिक्स बाई ट्वेल्व, ओके, और यहाँ पे हमारा आ जा रहा है फोर से हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो फोर इंटू थ्री बाई टू,
ठीक है, यहाँ पे भी ये टू से अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये इस तरह से लिखा जाएगा थोड़ा सिंपल फॉर्म में। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस टू इंटू सेवन बाई थ्री। तो देखिए ये आपका फाइनली माइनस फोर्टीन बाई थ्री आ रहा है और प्लस आ जा रहा है आपका टू से आप इसको कट कर दीजिए तो ठीक है सिक्स। तो माइनस फोर्टीन प्लस एटीन बाई थ्री ना फाइनली जो है ये मेरा फोर बाई थ्री यही आंसर आता है। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।